सुप्रभात मैम, मेरा नाम है श्रद्धा चौगले। मैं कक्षा तीसरी अ की छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है चतुर नानी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके दो कुत्ते थे, एक का नाम था रंगा, दूसरे का नाम था बिल्ला। अम्मा कहती है, मुझे अपने पोती से मिलकर आना है। फिर दोनों कुत्ते कहते हैं, आप मिलकर आइए, हम घर का ख्याल रखते हैं। फिर सुबह होते ही वह जंगल के रास्ते से निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी कहती है, ये बुढ़िया रुक, मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर बुढ़िया कहती है, मैं तो अभी सूखी ककड़ी हूँ, मुझे खाकर तेरा पेट कैसे भर सकता है। मैं अपनी पोती के घर जा रही हूँ, मैं वहाँ से खूब खाकर आती हूँ, फिर आते समय तू मुझे खा लेना। फिर लोमड़ी बोलती है, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ती है। वहाँ पर एक शेर बाघ मिलता है। बाघ बोलता है, ये बुढ़िया रुक, मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर बुढ़िया वही दोहराती है बाघ को। फिर बाघ बोलता है, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे भालू मिलता है। भालू बोलता है, ये बुढ़िया रुक, मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर बुढ़िया माँ बोलती है, वही बात दोहराती है जो बाघ और लोमड़ी को कही थी। फिर वो अपने पोती के घर चली गई। फिर वो वहाँ पर कुछ दिन रुककर आराम कर खा पी कर मोटी होकर वापस जाने का वक्त आ गया। फिर वही बात वो अपनी पोती को बताती है। जंगल में कुछ जानवर मेरा रहा देख रहे हैं। फिर उसे एक कद्दू में बिठाकर उसे धक्का मारती है। फिर वो लुढ़ते लुढ़ते भालू के सामने आकर रुक जाता है। फिर वो भालू कहता है, ये तो कद्दू है, इसे कौन खाएगा। फिर वो उसको धक्का मारता है। फिर वो लुढ़ते लुढ़ते बाघ के पास आकर रुकता है। फिर बाघ बोलता है, ये तो कद्दू है, इसे कौन खाएगा। फिर वो भी इसको धक्का मारता है। फिर वो जाकर लोमड़ी के सामने रुकता है। फिर लोमड़ी बोलती है, यह तो कद्दू है। फिर कद्दू में से आवाज़ आने लगती है, बाहर गर्मी होती है, अंदर बुढ़िया सोती है। फिर लोमड़ी उस कद्दू को तोड़ देती है। कद्दू में से बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है। लोमड़ी कहती है, मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है, पहले हम दोनों गाना गाएंगे, फिर तू मुझे खा लेना। फिर वह अपने घर के थोड़ा पास जाकर वो अपने दोनों कुत्तों को बुलाती है। दोनों कुत्ते आकर बूढ़ी अम्मा के पास आकर रुक जाते हैं। फिर लोमड़ी भाग जाती है। फिर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली जाती हैं। धन्यवाद।